हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के लेक्चर सीरीज में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गॉस थ्योरम का प्रूफ, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। क्या प्रूफ करना है मुझे गॉस थ्योरम में? हमें प्रूफ करना है कि गॉस थ्योरम ने ये बताया था कि टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज के इक्वल होता है। क्या मतलब हुआ इस चीज का? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इरेगुलर शेप में अगर चार्जेस को प्लेस कर दिया जाता है, अगर चार्जेस को क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया जाता है तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स इस चार्ज के इक्वल होगा। ये गॉस थ्योरम बताया था, टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज के इक्वल होगा। ये किसने बताया था? गॉस थ्योरम ने ये बताया था। अब इस चीज को प्रूफ कर लेते हैं कि ये सब क्यों होता है, ये किस तरीके से हो रहा है। और ये एक रिलेशन बताया था डी डॉट डी एस, अगर डेंसिटी के टर्म में बात करेंगे तो भी डी डॉट डी एस। तो इसको प्रूफ कर दे फॉर पॉइंट चार्ज। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट चार्ज एज्यूम किया है, पॉइंट चार्ज के बारे में एक सिग्निफिकेंस से बताया था कि ये पॉइंट है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। अब इसको मुझे गॉस थ्योरम से ये प्रूफ करना है कि इस पॉइंट चार्ज से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो इस चार्ज के इक्वल होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल है? केवल क्लोज सरफेस के लिए। गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सरफेस, पर यहाँ तो कोई क्लोज सरफेस ही नहीं है। अब क्या करें? तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ अपने को एक क्लोज सरफेस बेसिकली एज्यूम करना पड़ेगी, यहाँ आपको एक क्लोज सरफेस एज्यूम करना पड़ेगी। तो किसी भी ये पॉइंट के लिए क्लोज सरफेस किस तरीके से एज्यूम करें? तो इसके लिए क्लोज सरफेस क्या होगी? बेसिकली एक स्फेरिकल सरफेस व्हिच इज कॉल्ड क्लोज सरफेस फॉर दी पॉइंट चार्ज। और वो सरफेस आपको इस तरीके से चूज करनी है कि जो एंगल बिटवीन दी एरिया वेक्टर एंड दी फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली आइदर इट इज 0 90। तो मान लीजिए आपने ये पॉइंट चार्ज है, इसमें एक गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस इज आल्सो कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस जो आपने एज्यूम कर ली है, इट्स आल्सो कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी शुड बी डी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी? शुड बी डी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी शुड बी डी। किसी भी ये पॉइंट पे आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी? डी होगी। और सरफेस से क्या एंगल बना रही है जी? मैंने बनाया था, मैंने आपको बताया था, या तो वो सरफेस से टेंजेंशियल होगी या सरफेस से नॉर्मल होगी। अगर सरफेस से नॉर्मल है तो ये एंगल क्या बनना है? एंगल सरफेस से 90, सरफेस एंगल 90, इट्स अगेन 90, अगेन 90, एंड अगेन 90। तो ये भी वैलिड हो रहा है कि डी वेक्टर का एंगल 90 है। और अगर अपन इसका एरिया वेक्टर निकालें, स्मॉल एरिया वेक्टर हर पॉइंट का एरिया वेक्टर निकालें, तो वो क्या एंगल आएगा? सेम डायरेक्शन में, वो भी नॉर्मल होता है। किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर उसको नॉर्मल होता है। दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द अगेन द एरिया वेक्टर। तो इस सरफेस को जहां पर डी वेक्टर या तो सरफेस से 90 बनाएगा या टेंजेंशियल होगा, और डी वेक्टर और डीएस में एंगल या तो 90 होगा 0 होगा, उस सरफेस को आप बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और इस जगह पर आप गॉस थ्योरम में एप्लीकेबल कर सकते हैं। निकालना क्या है कि इस टोटल क्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज है वो किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल फ्लक्स इससे निकल रहा है उसके ऊपर होना चाहिए, वो प्रूफ करना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द गॉस लॉ दैट वी हैव टू प्रूफ व्हाई द टोटल फ्लक्स इट शुड बी इक्वल्स टू द टोटल चार्ज व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। थोड़ा सा इसको और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से बनाया गया है, अगर कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो इस तरीके से सरफेस पर भी क्लोज सरफेस बनती है लाइक दिस। ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से
से। ओके, अब यहाँ पर सेंटर पे ये प्लस क्यू चार रखा हुआ और इसको एक स्फीयर ने कवर कर लिया, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए जो क्लोज सर्फेस होगी वो स्फीयर होगी। और आप चूंकि आपको इस फॉर्मूले को प्रूव करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला डी डॉट डी एस, तो हम जानते हैं कि मुझे एक दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक डी वेक्टर की और एक डी एस वेक्टर की। तो एक स्मॉल एलिमेंट अगर आप सरफेस पर मान लें लाइक दिस, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट और सेंटर से ये डिस्टेंस बेसिकली आर है, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड डी वेक्टर। जैसे कि आपने यह माना है ना कि सेंटर से डी कितना है नॉर्मल, तो आपने वही माना है कि सेंटर से डी कितना है नॉर्मल, और डायरेक्शन क्या होगी डी की, ए आर। और ये जो आपने स्मॉल एलिमेंट माना है डी एस, अगर इसका एरिया वेक्टर निकालें तो क्या होगा, वो डी एस वेक्टर विच इज ऑल्सो नॉर्मल टू द सर्फेस। तो अपन कह सकते हैं कि डी वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू डी, बिकॉज इट इज एज्यूमिंग ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि जो स्मॉल एलिमेंट होता है वो एक पॉइंट के फॉर्म में होता है, मैंने पहले भी आपको सिखाया है। तो इट शुड बी फॉर्मूला ऑफ 4 अपॉन ε0 r² इन डायरेक्शन ऑफ ए आर के। और अगर मैं डी एस वैक्टर की वैल्यू निकालूँ तो डी एस वैक्टर, क्योंकि ये निकालना है मुझे डी निकाल चुका है, डी एस निकालना है, तो डी एस वैक्टर किसके अलॉन्ग एरिया वैक्टर, रेडियस के अलॉन्ग, इसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि जो स्फेयर है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लेक्चर नंबर आई थिंक या तो 3 होगा या 1.3 या 1.4 होगा, उसमें मैंने बताया आपको कि स्फेरिकल सिस्टम में रेडियली डी एस सरफेस का क्या आता है, इट शुड बी ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई ए आर। दिस इज द फॉर्मूला डेट यू हैव टू लर्न फॉर द रेडियल कंपोनेंट एंड फॉर द सरफेस एलिमेंट। ओके, नाउ वी कैन यूज द रिलेशन। हम जानते हैं फ्लक्स शुड बी इक्वल्स टू डी डी डॉट डी एस, और ये किसके कॉलोन चाहिए क्योंकि आप लोग प्रूफ करना है। तो फ्लक्स शुड बी इक्वल्स टू डी का क्या कंपोनेंट है, डी का कंपोनेंट है क्यू अपॉन 4 πr² विद ए मल्टीप्लीकेशन ए आर कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट शुड बी ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी पाई अगेन ए आर कैप ए आर कैप ए आर कैप इट शुड बी ए 1 बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है। सो फ्लक्स शुड बी इक्वल्स टू नथिंग बट द क्यू अपॉन 4 πr² इट शुड बी ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डबल इंटीग्रल, बिकॉज सर्फेस एरिया इंटीग्रल क्योंकि डी एस ले रहे डबल इंटीग्रल। अच्छा, स्फेरिकल सिस्टम के अंदर हम जानते हैं कि जो थीटा की रेंज जो होती है, क्योंकि थीटा मेजर मेजर होता है यहाँ से, दिस इज कॉल्ड थीटा दिस इज कॉल्ड फाई, मैंने पढ़ा है आपको कि थीटा और पाई कैसे काम करते हैं। थीटा की रेंज जो होती है वो होती है 0 से लेके π, और दिस इज इक्वल्स टू थीटा, और फाई की रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 2π। तो याद रखिएगा ये चीज दैट यू हैव टू लर्न। ओके, और यहाँ तक ठीक है। और यहाँ सॉरी ए की जगह आर कर सकते हैं, इट शुड बी r² जस्ट थोड़ा सा आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ये आर स्क्वायर रहेगा, ए मान लीजिए आर मान लीजिए बिकॉज ए के अलोंग थे, तो ए आर बेसिकली आर स्क्वायर, तो आर से आर या कैंसिल कर, नाउ वी कैन सॉल्व फॉर दैट। तो फ्लक्स शुड बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4π, इट इज कॉन्स्टेंट, एंड इफ आई जस्ट इंटीग्रेट द साइन थीटा इट शुड बी ए -cos θ, एंड थीटा की लिमिट है 0 से लेकर π, एंड 1 × d φ इट शुड बी φ विच इज इक्वल्स टू 0 से लेके 2π। तो φ शुड बी इक्वल्स टू q अपॉन 4π, इट शुड बी माइनस ऑफ माइनस वन, इट शुड बी 1 + 1 × 2π - 0। तो φ शुड बी इक्वल्स टू q अपॉन 4π इट इज 2, दिस इज 2π। तो फाइव शुड बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4π मल्टीप्लाइड बाई 4π, तो फाइव शुड बी इक्वल्स टू क्यू, ये हो गया प्रूफ।
गॉस थ्योरम लगाने से आप देख रहे हैं कि टोटल फ्लक्स जो इस क्लोज सरफेस से निकल रहा है वो अपने टोटल चार्ज एनक्लोज के इक्वल आ रहा है। क्लियर है? दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉस लॉ। जस्ट वी हैव टू लर्न टू थिंग्स कि अपने को ये पता होना चाहिए कि डीएस क्या होगा। डीएस रेडियली अलोंग है, मैंने आपको पढ़ाया था स्फेरिकल के सिस्टम के अंदर कि डीएस डी पाई और अलग अलग सिस्टम्स के डीएल आप डिफरेंशियल लेंथ डिफरेंशियल वॉल्यूम सरफेस कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इंटीग्रल कर दीजिए। लिमिट आपको मैंने आपको सिखा चुका हूँ, 0 to π, 0 to 2π। और सॉल्व करने पर आप देखेंगे ये थीसिस भी अपना प्रूफ हो जाएगा, गॉस थिंग्स गॉस लॉ इज। तो दिस इज सफिशियंट फॉर टुडेज लेक्चर, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द इररेगुलर शेप शुड बी इक्वल्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड टू द टोटल फ्लक्स, बट गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। याद रखिए गॉसियन सरफेस जो आप एज्यूम कर रहे हैं वो सिमेट्रिकल होगी। डी वेक्टर और डी एस वेक्टर में जो एंगल होगा या 0 होगा या 90 होगा, और डी और सरफेस एरिया, सरफेस जो सरफेस है जैसे मान लीजिए आपका सरफेस है, ये डी निकल रहा है, यहाँ से डी निकल रहा है, सरफेस से या तो एंगल 90 हो या सरफेस टेंजेंशियली हो डी का। तो ये थोड़ा याद रखना, ये दो कॉन्सेप्ट अगर आप याद रख पा रहे हो और जो सरफेस आप एज्यूम कर रहे हैं इसमें ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स वी कैन ईजिली अप्लाई द गॉस थ्योरम और वहाँ पे आप उस सर्फेस को मान सकते हैं कि वो गॉसियन सर्फेस है और सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट टू प्रूफ द गॉस थ्योरम। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में गॉस थ्योरम से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड अब डेंसिटी कैसे निकालते हैं, जो कि आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट क्लियरली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो याद रखिए थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मुझे फ़ायदा होगा, दूसरी चीज़ आपको नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।